मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। फरवरी 2015 में दिल्ली की सियासत के पन्नों पर आम आदमी की नुमाइंदगी का दस्तखत दर्ज हुआ। भारत माता की जय। फिर शुरू हुआ दिल्ली की जनता की जिंदगी बदलने का दौर। जनता की आवाज बनी आपकी दिल्ली सरकार। बिजली सस्ती हो गई है, अब पहले से आधे रेट पर मिलती है बिजली। पानी के बिल जीरो हो गए हैं और पिछले 1.5 साल से देखिए हमारे पानी के बिल बिल्कुल जीरो आ रहे हैं। कमाल का मोहल्ला क्लिनिक बनाया है यहाँ पे, बहुत अच्छा बनाया है, सारी दवाइयाँ फ्री मिलती है यहाँ पे। मैं पहली बार देख रही हूँ सरकारी स्कूल में काम हो रहा है, बिल्डिंग में भी बन रही है, अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे का देखरेख भी अच्छे से हो रहे हैं। जो मजदूर हमारे झाड़ी पे काम करते थे 1.5 गुनी उसको तनख्वाह बढ़ गई है, ये सरकार मजदूरों की है। देखो जी, केजरीवाल सरकार पूरी तरह से किसानों की सरकार है। देश से सबसे बढ़कर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आज तक अगर किसी ने दिया हो तो बताओ। व्यापारी बहुत चैन में है जी, दिल्ली में इंस्पेक्टर ने बंद हो गए। सरकारें तो पूरे देश में चल रही है, केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, नगर निगम में भी है, लेकिन आम आदमी के लिए सरकार का क्या मतलब होता है, ये पहली बार दिखाई दिया है दिल्ली में। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये ईमानदार सरकार है। यहाँ मंत्री या नेता पैसा बनाने पर नहीं बल्कि जनता के लिए 24 घंटे काम करने पर मेहनत करते हैं। क्या है? जाले लगाने के लिए रखा हुआ आपने यहाँ पे? हटाइए इनको भी यहाँ से, यहाँ नीचे इसको। ये कैसे लग रहे हैं जाले यहाँ? कोई अधिकारी जनता का काम ना करे तो इस जैसी कोई सख्त सरकार नहीं। आप कहते हो कि यहाँ पे केबल का फॉल्ट है, मुख्यमंत्री के आ जाने से केबल ठीक कैसे हो जाती है? शहरी के टाइम पे और स्टार के टाइम पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। लेकिन अगर जनता की जिंदगी में कोई दर्द हो तो इससे नर्म सरकार कोई नहीं। क्या कंप्लेन है सर? हमारी गली पूरी खुदी हुई है और बारिशों में पूरी भरी रहती है, वो हर वक्त गंदा पानी, कीचड़ पानी भरा रहता है। आपका फोन नंबर तो आ गया, मैं आपकी डिटेल्स नोट करवा रहा हूँ और मैं सर, कल सर। किसी ऑफिसर को भेजता हूँ, वो आपके साथ बैठ के इसका जो भी समाधान हो सकता निकालेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में काम कर रही ये सरकार आज दिल्ली की ही नहीं देश की सबसे पॉपुलर सरकार है। हो भी क्यों ना, इस सरकार ने डेवलपमेंट यानी विकास की परिभाषा बदल दी है। अभी तक तो विकास का मतलब था सड़कें बनाना, पुल बनाना और उसमें खूब कमीशन कमाना। सड़कें और पुल तो ये सरकार भी बना रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 3 पुल बनाए और 350 करोड़ रुपए बच गए। अब ऐसा तो पहली बार सुना है कि फ्लाईओवर बनाने में एस्टिमेट से कम खर्चा हुआ हो और जनता का करोड़ों रुपया बच गया। पैसा भी बच रहा है और जल्दी भी बन रहा है। पता नहीं कितने सालों से ये पुल बन रहा था, इस सरकार के आते ही ये पुल 1 साल में बनकर तैयार हो गया है। पहले जो हेल्थ सेंटर बनते थे उसमें 6 से 7 करोड़ रुपए तक का खर्च आता था, ऐसा देखने में आता था, और 3-4 साल लगते थे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में। अभी दिल्ली सरकार ने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर केवल 15 से 20 लाख रुपए में बनके तैयार हो गया और बनने में भी केवल 3-4 महीने लगे। ये जनता की सरकार है, जनता का पैसा जनता के ऊपर ही खर्च कर रही है और जहां पैसा बच रहा है उसे जनता के लिए ही दूसरे काम पर लगा रही है। हमने हर दिल्ली सरकार के काम में करप्शन बंद कर दिया। जैसे 125 करोड़ का फ्लाईओवर था वो हमने 200 करोड़ का बना दिया। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 24 करोड़ का बनना था, हमने 16 करोड़ का बना दिया। तो ये जो इतना सारा पैसा हम बचा रहे हैं दूसरे कामों में, उससे हम लोगों ने ये दवाइयाँ मुफ्त कर दी हैं और इससे गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। आज दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम की तारीफ सारी दुनिया में हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक के शानदार सेवाएं और सिस्टम को देखने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। करंटली मेडिसिन सर अवेलेबल इन हॉस्पिटल, पेशेंट्स तो खुश है उनको क्योंकि फ्री में दवाई मिल रही है हॉस्पिटल में आजकल, तो वैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अब तो पूरी मिल रही है, पहले नहीं मिलती थी, कुछ मिलती थी कुछ नहीं मिलती थी, अब फिलहाल पूरी दवाई मिल रही है। पहले डॉक्टर लिखते थे तो वो एक आध दवाई मिलती थी, बाकी एक दो यहाँ मिलती थी, बाकी बाहर से मिलती थी, और अब दवाई मिल रही है। दिल्ली के हर आदमी के लिए अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता इलाज उपलब्ध कराना इस सरकार का सपना है जो बहुत तेजी से सच होता दिख रहा है। आप गवर्नमेंट जब से आई है तो हेल्थ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब से वो पानी की स्कीम जो लाई है वो बहुत अच्छी लाई है। पानी का बिल जो जीरो पर आ रहा है जी, इससे मेरे को बहुत ही फायदा है और इससे जो पैसा बचता है बच्चे के स्कूल में, ट्यूशन उशन, पढ़ाई वढ़ाई में जो भी है इसमें काम आता है। पहले बिल 2,000, 2,500, 3,000 तक आता था, ये रहा पहले का बिल, ठीक है, और ये आपका बिल है, पानी का बिल जीरो आ रहा है। पहले मेरा बिल 11,000 रुपये आया था जो कि माइनस हो गया 1,000 रुपये रह गया।
जो कि मैंने पेड कर दिया, लेकिन उससे बढ़िया बात ये रही जो नेक्स्ट बिल ले रहा है वो मेरा माइनस में है। जिन कॉलोनीज में वर्षों से लोग पानी का इंतजार कर रहे थे, आज वहाँ घरों में पानी आ गया, लोगों की जिंदगी में खुशी आ गई, यही तो सरकार का काम है। डेढ़ साल पहले हमारे यहाँ पानी बहुत ही पानी की परेशानी थी, डेढ़ महीने पे पानी आता था और वहाँ सड़क से यहाँ बाहर तक काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती थी और लड़ाई झगड़ा बहुत होता था पानी के लिए। अब डेली पानी आता है, बहुत अच्छा पानी आता है। पहले हम सुबह 5 बजे उठ के इतने परेशान होते थे, अपनी नींदें खराब करते थे, 4-5 बजे उठ के अपने टैंकरों की लाइन लगाते थे पानी के लिए। अब जब से ये सरकार हमारी सरकार आई है तब से हमें पानी की बहुत सुविधा मिल गई है, अब हमारे यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है। हम लोगों ने चुनाव में एक वादा किया था कि हम 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे और जीतने के बाद सबसे पहला निर्णय जो इस सरकार ने किया वो था 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देने का। जब हमने ये निर्णय लिया तो ये कहा गया कि इन लोगों को सरकार चलानी नहीं आती, इनको इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है और दिल्ली जल बोर्ड डूब जाएगा, घाटे में चला जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के इस शहर में टोटल लगभग 20 लाख कनेक्शन है, आज उनमें से 11 लाख लोग मुफ्त पानी का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि वो केवल 20,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 11 लाख परिवारों को मुफ्त पानी मिल रहा है और उसके बावजूद भी पूरे गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का घाटा नहीं हुआ, दिल्ली जल बोर्ड ने 178 करोड़ रुपए की ज़्यादा कमाई करके दिखाई है। ये है आम आदमी के फायदे की गवर्नेंस। आज दिल्ली के आम आदमी के पास मुस्कुराने की एक और वजह है, उसके बिजली के बिल आधे हो गए हैं। 2 साल पहले दिल्ली उन राज्यों में शामिल थी जहां देश में सबसे महंगी बिजली मिलती थी, आज दिल्ली में बिजली के दाम आधे हो गए हैं। आज देश के प्रमुख शहरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। हमारा पुराना बिल है और ये अब नया बिल है। जब से आप सरकार आई है बिजली सस्ती हो गई है, आधे रेट से भी बहुत कम पे मिल रही है। पहले हमारा बिल 1610 रुपए आता था, अब 250 रुपए आता है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, हमारे पास सरप्लस बिजली है। पिछली सरकार जो एग्रीमेंट कर गई है उसकी वजह से हमें बिजली महंगी मिलती है, वरना बिजली और भी सस्ते दामों पर मिलती है। सबसे सस्ती बिजली, पानी सस्ता करना, पुल बनाने में ईमानदारी और किफायत से पैसा खर्च करना, दवाई देना, ये तो सब सुविधाएं हैं, लेकिन सरकार का काम देश की बुनियाद मजबूत करना है और ये सरकार मानती है कि देश की बुनियाद मजबूत होती है एजुकेशन से। हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा देना इस सरकार की जिम्मेदारी है। पहले टीचर इतना ध्यान नहीं देते थे, प्रिंसिपल इतना ध्यान नहीं देते थे, पर अब बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी, अब हमें पता चलने लगा कि हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार भी हमारे बच्चों में बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सरकारी स्कूल में इतना बढ़िया, मतलब समर्थन कर रहा है। समर्थन बार बार हो, पहले से बहुत एक्टिव हो गई है, पहले पार्टिसिपेट नहीं करती थी किसी चीज में, अब पार्टिसिपेट करती है। इस सरकार ने न सिर्फ मौजूदा सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है बल्कि स्कूलों की कमी को दूर करने के लिए नए हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स भी बनवाए हैं जो किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। साथ ही ये सरकार समझती है कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग और क्लासरूम्स अच्छे बना देने से, सभी हाई स्टैंडर्ड फैसिलिटीज दे देने से पढ़ाई के स्तर को इतना ऊँचा नहीं ले जाया जा सकता जिसका दिल्ली सरकार सपना देखती है। इसलिए सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया है। हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स के इक्विवेलेंट हों, उनसे बेहतर हो जाएं और वहाँ पर जो माहौल है वो टीचिंग का ही नहीं लर्निंग का भी हो। क्लासरूम्स में लर्निंग का माहौल बनाने के लिए हम टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्रिंसिपल्स की स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको विदेश में भी भेज रहे हैं। इस सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए जो काम किया है और कर रही है वो काबिले तारीफ है, पर सबसे बड़ी बात यह है केजरीवाल सरकार ने वो किया है जो कोई सरकार करने की हिम्मत अभी तक नहीं कर पाई है, वो कार्य है प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाकर। मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और हम इसके शिकायत में फीस बढ़ोतरी की शिकायत को लेकर मनीष सिसोदिया के पास गए थे जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना और स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जिसमें हमें स्कूलों ने वापस एक चेक वापस किया जिसमें फीस बढ़ोतरी थी और जो फीस पहले जाती थी उसमें कम किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्कूल ने फीस वापस की है चेक के माध्यम से। मैं किसान हूँ, जब से दिल्ली सरकार ने स्कूल इतने बेहतर कर दिए, इतने अच्छे कर दिए हैं, तो मेरा मन ये हो गया कि मैं अपनी बिटिया को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊं। देखो साहब, अगर किसी ने किसानों के दुख दर्द को समझा है तो वह केजरीवाल सरकार ने समझा है। पिछले वर्ष सारे देश में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो गई, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
और मिनिमम 35,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया और दिल्ली के किसानों की आर्थिक मदद की। हमसे पहले वाली सरकारें तो मानती नहीं थी कि दिल्ली में किसान भी हैं। हमारी सरकार ने ना सिर्फ दिल्ली में किसानों को पहचान दिलाई है बल्कि उनके दुख की स्थिति में, उनके नुकसान की स्थिति में देश में सबसे ज़्यादा मुआवजे की व्यवस्था हमने की है। आज दिल्ली में किसानों को अगर कोई नुकसान होता है तो बेहतर मुआवजा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। दिल्ली में जो कभी नहीं हो सका वो 1.5 साल में हुआ, अभी तो ये आगाज है, 3 साल और बाकी हैं। दिल्ली को नई पहचान देने का सपना सच होगा क्योंकि ये आपकी सरकार है। बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। हेलो एंड नमस्कार। अभी आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की चर्चा हो रही है, काम की चर्चा हो रही है। आपने देखा कि कितने अच्छे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। पहले 4-4 करोड़ में एक डिस्पेंसरी बनती थी, अब 20 लाख रुपये में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जिसमें सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री एंड वेरी हाईटेक मोहल्ला क्लिनिक्स। आप भी चाहते हैं ना गोवा के अंदर इस किस्म के मोहल्ला क्लिनिक बने? ज़रूर बन सकते हैं। हम सब लोगों को मिलके इस बार आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करना पड़ेगा। दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से सरकारी स्कूल ठीक हो रहे हैं। कभी सोच सकते थे सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल हो सकते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर लिफ्ट्स हो सकती हैं? दिल्ली के अंदर नए नए स्कूल बन रहे हैं, सरकारी स्कूल बन रहे हैं विच आर मच बेटर देन इवन प्राइवेट स्कूल्स। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिट करा रहे हैं और सरकारी स्कूल में सारी एजुकेशन फ्री है। गोवा के अंदर भी अपने को गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करना है, लेकिन वो तभी हो सकता है ओनली इफ़ यू हैव एन ऑनेस्ट गवर्नमेंट। दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल्स पहले मनमाने तरीके से हर साल अनाप शनाप फीस बढ़ा देते थे। एक आदमी बेचारा क्या करे, उसे अपने बच्चों को तो पढ़ाना है। पहली बार ऐसे हुआ कि हमने प्राइवेट स्कूल्स को फीस नहीं बढ़ाने दी। पहली बार ऐसे हुआ कि जिन प्राइवेट स्कूल्स ने फीस बढ़ाई थी उनको ऑर्डर करके फीस कम करवाई, सारे बच्चों की फीस हम लोगों ने रिफंड कराई। गोवा के अंदर भी कई सारे अच्छे हैं प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं उनके ऊपर तो अंकुश करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए यू नीड एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। इसी तरह से अपने को गोवा को ठीक करना है। 2012 के अंदर आप सब लोगों ने कांग्रेस को हराया था। कांग्रेस के करप्शन से इतना ज़्यादा तंग हो चुके थे गोवा के लोग, इतना तंग हो चुके थे कि सारे गोवा के लोगों ने तय कर लिया था कि कांग्रेस को तो हराना है। ऐसे ऐसे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया जो कभी ज़िंदगी में बीजेपी को वोट ना दें, बिकॉज बीजेपी इज़ अ कम्युनल पार्टी। तो ऐसे ऐसे लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया